नमस्कार दोस्तों, एन के फर्नीचर में आपका स्वागत है। ये 15 इंची का रंधा हमने बनाया है और खास उनके लिए, समीर अली करके हमारे एक व्यूअर्स हैं, उनके लिए। वो हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि 15 इंची का रंधा बनाओ, रंधा बनाओ। तो हमने ये बनाया, अब हम इसको चला के देखते हैं कैसा चल रहा है। देखिए बुरादा बिल्कुल नहीं फंस रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लकड़ी लेनी है। मेरी ये लकड़ी है 2 इंची की, और 2.25 इंची ऐसे कर रखी है मैंने, और इसकी जो लंबाई है वो है अपनी 15 इंची की। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंची का पीछे वाला भाग रखेंगे, और एक सूत जो ब्लेड निकलता है उसके लिए निशान कर लेंगे। अब इसको गुनिया से खींच लेते हैं, ये गुनिया से निशान कर लेते हैं, ये वाला भी उतार लेंगे। अब आपको यहाँ से जो ब्लेड का पीछे वाला हिस्सा क्रॉस करना है, तो वो कितना रखना है मेरे हिसाब से, जैसे कि ये जो मेरी लकड़ी है ना, अपनी लकड़ी है 2.25 इंची की, तो मैं फिलहाल के लिए 2.25 इंची रखूँगा, ताकि क्या है जो 90 डिग्री क्या बोलते हैं उसको, वो रहेगा तो एकदम सही चलता है, ईजी चलता है रद्दा। और कोई कोई लोग तो क्या करता है कि उसको थोड़ा सा ऐसे 1.5 इंची पर खोदता है, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो हो सके जिसको और झुका लेना, तो मैं इसको एक सूत और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुनिया से निशान कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे अपन को क्या करना होगा, 3 सूत की जो हमारी फाड़ी लगेगी, तो उसको 3 सूत का एक निशान और कर लेते हैं। तो ये 3 सूत का निशान हो गया, ठीक है। ये वाला पहले वाले निशान से, इसको पहले वाले निशान को ऐसे सीधा कर देंगे, और ये दूसरे वाले से दूसरे वाले को मिला देंगे। इस जगह पे अपनी फाड़ी निकलेगी यहाँ पे। हमने ये 2 सूत इधर से छोड़ दिया है, और 2 सूत इसकी जो डाट की, यहाँ से ये लकड़ी निकलेगी। ऐसे ही आपको निशान कर लेना है, और ऐसे ही नीचे की तरफ कर लेना है ये वाले। तो खुदाई करने में क्या होता है कि अपन जो चौरसी से लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे उछड़ने का डर रहता है, तो हम क्या करेंगे, 1/8 का एक बिट लेंगे और उससे ये वाले हॉल सीधा का सीधा उतार देंगे, फिर क्रॉस वाला हम चौरसी से लेंगे। तो हम इसको हॉल कर लेते हैं कि ये साइड वाले पूरे नहीं उतार। अब हम इसको धीरे धीरे चौरसी से काटेंगे। ये हमारा माल अभी थोड़ा सा जिंदा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें कट लगा लेंगे, ताकि इधर की तरफ उछरे ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो निशान किया था ड्रिल मशीन से, यहाँ पे एक बार बढ़ा देंगे, इधर भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने इसमें हॉल कर लिए हैं, और अब हमको ये जो पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला पॉइंट एकदम सीधा करना होगा, तो हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक फाइल की, तो फाइल तो इसमें जाएगी नहीं, तो हम चौरसी के फाइल बना के और फिर इसको घिस के बताते हैं आप। अब आपको क्या लेना है, एक फाइल लेनी है और ये चौरसी, तो इसको क्या करना है, इस पर दो तीन छोटे मार देनी है धीरे धीरे,
तो इसके क्या है, इधर देखिए ये 11 निकल आया इसके। अब हम इससे घिसके बताते हैं आपको। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पतली आरी है तो पतली आरी ले सकते हैं, नहीं एक्सो ब्लेड ले लेवे। और एक्सो ब्लेड से हम इसको काटेंगे, पीछे इसके तरफ से इसको टच करके इसको चला देंगे। जैसे एक कट ये लगा लिया, अब एक कट यहाँ से और इसके ये वाला लगाना है अपन को, जहाँ पे फाड़ी का जो अपने फाड़ी लगेगी। तो मैं काट के और आपको फिर वीडियो में। अब हमने ये दोनों कट लगा लिए हैं। अब आपको 1.5 फुट की चौरसी की जरूरत पड़ेगी, जैसी ये वाली है। और ये वाली चौरसी का वीडियो देखना चाहते हो तो एक आई बटन पे लिंक मिलेगा आपको, वहां पे जाके देख सकते हो, या एंड स्क्रीन में मैं। अब हमने ये साफ कर लिया है, तो हल्के से ये जो जहाँ से अपनी फाड़ी या डाट लगेगी तो उसको हल्का सा पैल मार देंगे, ताकि जब फाड़ी टाइट करें तो ये कॉर्नर टूटे ना। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से कर लेंगे अपन। अब हम इसकी बनाते हैं फाड़ी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंची और यहाँ से इसके पॉइंट में ला लेंगे दोनों, और इसको राउंड कर देंगे, क्योंकि जब भी अपना बुरादा निकलेगा तो वो राउंड होके ऐसे निकलेगा, तो बुरादा बिल्कुल नहीं फंसेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्नीचर से जुड़े हुए वीडियो आपको यहाँ मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया है, जो हमारा बुरादा अब निकलेगा तो फंसेगा नहीं। ठीक है, अब हम इसकी बनाते हैं फाड़ी। अब क्या करना है, एक तरफ से इसको फाड़ी को क्रॉस काट लेते हैं लगभग इसके नाप की। ठीक है, अभी तो ये आ रही है, तो अभी ये सही तरीके से सेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, पाना इसके पहले डालिए। ठीक है, और इसके अंदर इसको घुसेड़ दीजिए, फिर इसको हल्का सा टाइट कर लेते हैं अपन। अब क्या करना है कि जैसे इसमें कहीं पे भी गैप है तो अपन एक्सो ब्लेड इन दोनों के चला देंगे, तो ये एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो अब हम एक बार के लिए एक्सो ब्लेड चलाते हैं, फाड़ी के सहारे अपन एक्सो ब्लेड को चला देंगे। तो क्या है, इसमें जो गैप है ना आगे की तरफ, एकदम फिक्स मिल जाए। ऐसे ही दोनों तरफ चला लेना है अपन को। अब क्या करेंगे, ये हमारी फाड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे पेन से अपन निशान कर लेंगे, एक एक इधर और एक इधर, ये दोनों निशान कर लिए हमने। अब इसको खोल लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारे फाड़ी के अंदर ये जो निशान आए हैं, तो इसमें से हल्का सा कट कर लेंगे, ताकि अपना बुरादा इसके टकराए ना। तो इसको एक्स ब्लेड से काट लेते हैं। इतना इधर काट लेंगे, अब इसको अपन थोड़ा सा काट लेंगे, राउंड करेंगे।
इससे क्या होगा अपना बुरादा बिल्कुल नहीं खसेगा। ठीक है, अब हमारी ये फाड़ी भी तैयार है और रंधा भी तैयार है, और अब इसके अंदर हम डालते हैं ब्लेड, फिर इसको चला के देखते हैं कैसा चलेगा। तो इसको टाइट कर लेते हैं, अब हम इसको चला के देखते हैं। देखिए क्या शानदार निकल रहा है भाई।